बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण की परीक्षा में कई अभ्यर्थियों ने अनुक्रमांक को भरने में गलती की थी। उसे देखते हुए इस बार अंकों में अनुक्रमांक भरने के लिए ओएमआर शीट में कॉलम नहीं होगा, बल्कि केवल गोलों को भरना होगा। प्रश्न पुस्तिका सीरीज भी ओएमआर शीट पर भरने की व्यवस्था हटा दी गई है। यह अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में ही प्रिंट होगा। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी ओएमआर शीट पर सिवा उस गोले के जो कि उसे उत्तर के रूप में भरना है, अन्य कहीं भी किसी तरह का निशान नहीं लगाएं, अन्यथा उसका उत्तर रद्द हो जाएगा। ब्लेड और इरेजर का इस्तेमाल भी पूरी तरह गलत है, क्योंकि ऐसा होने पर न केवल कंप्यूटर उसे पकड़ लेगा बल्कि मैनुअली भी उसे चेक किया जाएगा और पाए जाने पर मूल्यांकन रोक अभ्यर्थी को परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती के साथ ही टीआरए 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी हो सकता है। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि पहले रिजल्ट निकालने पर हो सकता है कि उनमें से कुछ का द्वितीय चरण में चयन होने के कारण वे योगदान नहीं दें। ऐसे में कुछ सीटें रिक्त रह जाएंगी, जबकि साथ देने पर ऐसी आशंका नहीं रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार में वेटिंग का प्रावधान नहीं है, लिहाजा वे केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकती हैं। इसमें अब तक लगभग 4,800 रिक्तियां आई हैं। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि 18 महीने के एनआईयूएस बीएड डिग्री वाले ऐसे अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल होने का मौका दे रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप 2017 के निर्धारित तिथि तक बीएड कर लिया था। ऐसे अभ्यर्थियों से उसके पूर्व से अध्यापन करते रहने की अंडरटेकिंग लेने के बाद ही उनका एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है।